सतनाम श्री भाई गुरु। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी के दर्शन करने के लिए। अभी हम अंदर जाते हैं और सबसे पहले छबील देखिए, घुसते ही एंट्रेंस में लेफ्ट साइड में यहाँ पे छबील लगी हुई है। सबसे पहले आइए, पानी पीजिए, उसके बाद आगे चलिए। अब हम आ गए हैं जोड़ा घर में अपने जूते जमा कराने के लिए। ऐसा भी कहा जाता है कि ये स्थान एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ता है। मतलब गुरुजी कहते थे कि मेरा तेरा छोड़िए और विनम्र बनिए, और किसी के पाँव के जूतों की सेवा करने से आदमी का अहंकार खत्म होता है। तो मतलब आप दर्शन करने से पहले, गुरुद्वारा साहिब जी में जाने से पहले अपना अहंकार बाहर रख के जाइए। जूते जमा कराने के बाद अब हम जा रहे हैं भवन में। यहाँ से हम पटका लेंगे, सिर ढकेंगे, फिर आगे जाएंगे भवन में दर्शन करने के लिए। हाथ धोए, उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पर एक महिला ना, जो वॉश बेसिन वाला एरिया था, हाथ धोने वाली जो जगह थी, उसको साथ के साथ साफ कर रही थी। भाई हर किसी के बस की नहीं होता ये गंदगी को साफ करना, इसकी सेवा करना। ये लोग खुद भी बहुत महान हैं जो यहाँ पर ऐसी सेवा कर रहे हैं। हम जा रहे हैं अब दर्शन करने के लिए, और यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर जगह होती है जहाँ पर पैर अपने आप धुलते रहते हैं। अब हम जा रहे हैं ऊपर दर्शन करने के लिए। सभी लोग जा रहे हैं, काफ़ी भीड़ है, और मतलब दो दिन बाद बंदी छोड़ दिवस भी है। यहाँ पर भी एक बास्केट रखी हुई है जिसमें लोग पटका ले रहे हैं और वापस यहीं पे रख रहे हैं जो दर्शन कर कर आ गए हैं। वो आप जगह देख सकते हैं, वहाँ पर कड़ा प्रसाद आपको मिलता है जब आप दर्शन करके आते हैं तब। यहाँ पर वीडियो बनानी ना अलाउड नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा जो भी हो सकेगा हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए फुटेज ले सकें, है ना। अभी हम दर्शन करके आते हैं, फिर आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। दर्शन करके हम जैसे ही बाहर निकले भवन से, हमने वीडियो बनानी जब स्टार्ट करी तो वहाँ पर हमें ना रोक दिया गया। उन्होंने बोला, वाहेगुरु जी आपने बोर्ड नहीं पढ़ा क्या, यहाँ पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड ही नहीं है। अब हम सरोवर के दूसरी तरफ आ गए हैं, और यहाँ पर मतलब कि मना तो करते हैं, यहाँ पे भी अलाउड नहीं है तो नहीं है, पर हमने एक भाई जी से पूछा कि हम यहाँ पर फोटो ले लें, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, ले लो एक दो फोटो आप ले सकते। मैं आपको ये बताने वाला था कि ये जो गुरुद्वारा है ये पहले एक बंगला था। हाँ जी, 17th century में जो जयपुर के महाराजा जय सिंह थे उनका ये बंगला था। यहाँ पर जब सिखों के 8वें गुरु हरकिशन जी महाराज यहाँ पर आए थे तो वो यहीं पर रुके थे। उस समय ना दिल्ली में मतलब कि चेचक, स्मॉल पॉक्स बहुत ज़्यादा फैल रहा था, और हेजा की बीमारी भी साथ में फैल रही थी। पर गुरु महाराज जी ने उन बीमारियों का इलाज करने के लिए मरीजों को अपने आवास पर बुलाया और यहाँ से जल दिया और उनकी सेवा करी, और उनको मतलब अलग अलग सुविधाएं दी, खाने की, इलाज, ताकि वो सब स्वस्थ हो जाएं। तो ऐसा कहा जाता है ये जो जल है यह स्वास्थ्यवर्धक है। कहें वो जो गुरुद्वारे का गुंबद है वो असली सोने का बना है, मतलब कि गुंबद के ऊपर सोने की लेयरिंग है। और जब आप अंदर दर्शन करने जाते हैं वहाँ पर भी जो दीवारें हैं उस पर भी सोने की लेयरिंग की गई है। इतना सुंदर लगता है, इतना भव्य लगता है, आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा फील होगा। अब ये जो जगह है यहाँ पर सभी लोग आकर जल ग्रहण कर रहे हैं। इस जगह पर बाबा जी के घोड़े ने खुर मारकर साफ जल जमीन में से निकाल दिया था। और पूरी दिल्ली में गंदा पानी आता है, पर दिल्ली में केवल एक ये ही ऐसी जगह है जहाँ पर साफ पानी आता है। सब लोग आकर यहाँ पर पानी पीते भी हैं और उसको घर भी लेकर जाते हैं। अब हम जा रहे हैं लंगर हॉल की तरफ,
आपको तो पता ही है कि गुरुद्वारे का लंगर कितना स्वाद होता है। एक तो वो प्रसाद होता है और वैसे भी मतलब बहुत स्वाद होता है। जब हम लंगर हॉल में पहुंचे तो 4:30 बज चुके थे और 5 से 7 बजे तक वहां पर सफाई का कार्यक्रम होता है, मतलब कि हॉल की पूरे से सफाई की जाती है। तो थोड़ी देर में हमारे पास थाली आई, फिर हमें लंगर में दाल का प्रसाद और प्रसादा मिला। ये देखिए इतना स्वाद था, इतना स्वाद था, आत्मा तृप्त हो जाती है इसको खाकर। हमने अपना लंगर ग्रहण किया, फिर हम बाहर आए। बाहर जाके हमने वहाँ पे देखा कि कुछ ना दूसरी कंट्रीज के लोग भी थे, तो हमने कोशिश की थी उनसे बात करने के लिए, बट वो हमसे पहले चले गए थे। ये देखिए अब हम यहाँ पर, हमने अपनी थाली दी थी, फिर हम प्रांगण में आ गए थे। यहाँ पर हम आए, थोड़ी देर बैठे, हमने कीर्तन सुना, तो मतलब इतना आनंद आया, इतनी शांति मिली, कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहा था। मतलब ऐसा फील हो रहा था अंदर से कि यहाँ पर बैठे रहो चुप और सुनते रहो। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर शांति कहीं मिलती है तो भगवान के द्वार पर ही मिलती है। ये सारे इंसान जो यहाँ पर बैठे हैं, आए हैं यहाँ पर, माथा टेका जिन्होंने दरबार में, इसलिए ही आए क्योंकि उनको सबको मतलब आत्म शांति मिलती है। और ये तो जग जाहिर है कि यहीं पर आकर ही इंसान का मोह माया और अहंकार खत्म होता है। देखिए ये वो ग्रुप है जो बाहर की किसी कंट्री से आया है। हमने इनसे बात करने की कोशिश की थी पर हमें ना इनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आई, और इनका जो ट्रांसलेटर था वो शायद कहीं पे बिजी था, मेरे को नहीं पता वो कहाँ गए हुए थे। पर इतना जरूर समझ में आया कि ये लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री शूट करने आए थे। ये देखिए ये वो जगह है सामने जहाँ पर जब आप दर्शन करके अंदर से आते हैं तो यहाँ पर आपको कड़ा प्रसाद मिलता है। बंगला साहिब MRI एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, जहाँ पर ज़रूरतमंद लोगों के लिए केवल 50 रुपये में MRI एंड CT स्कैन किया जाता है। ये है गुरु हर कृष्ण पोली क्लिनिक, जहाँ पर अलग अलग कंसल्टेंट बैठते हैं, और होम्योपैथी के भी, एलोपैथी के भी, और लैब टेस्ट भी यहाँ पर बाजार से आधे दामों में हो जाते हैं। अब हम जा रहे हैं बाहर की ओर। ये देखिए एक पिता अपनी छोटी सी बेटी के सिर पर कितने प्यार से पटका बांध रहे हैं, कितना प्यारा पल है ना ये। अब हम जोड़ा घर में जा रहे हैं अपने जूते लेने के लिए, शायद हमने 4 नंबर काउंटर पे दिए थे। हम 4 नंबर काउंटर पर आए, हमने टोकन दिया, और जो सरदार जी थे उधर वो हमारे जूते लेने गए, और जब वो जूते लेकर आ रहे थे हमारी तरफ तो उन्होंने सिर से लगाकर हमें जूते दिए। देखा आपने, ये देखा आपने, वो अंदर कुछ लोग बैठकर जूतों पर पॉलिश कर रहे हैं, कितनी बड़ी सेवा है। पांडवों के यज्ञ में भगवान कृष्ण ने जूठे पत्तल उठाए और चरण पादुका सेवा की, मतलब कि जूतों की सेवा की। तो देखा आपने जूतों की सेवा कितनी बड़ी सेवा मानी जाती है, कि भगवान ने भी जूतों की सेवा की थी। छबील पर पानी पीने के बाद हम घर की तरफ जाने लगे, फिर भवन के सामने खड़े होकर मेमोरी के लिए मैंने भी अपनी एक फोटो ली। फोटो लेने के बाद फिर हम बाहर जाने लगे। ये देखिए ये रास्ता सिख म्यूजियम की तरफ जाता है, हम तो जा नहीं पाए थे क्योंकि रात होने वाली थी, तो हमने फिर वापस जाना ठीक समझा। अगली बार कभी आएंगे तो सिख म्यूजियम जरूर जाएंगे। ये फिर हमने देखा आते हुए बाला प्रीतम दवा खाना बना हुआ है, जैसे
पीछे पहले बना हुआ था ना सीटी स्कैन और एमआरआई के लिए, इधर घुसते ही एंट्रेंस पे ही बाला प्रीतम दवाखाना बना हुआ है। फिर हम थोड़ा सा आगे चले बाहर की तरफ तो यहाँ पर हमने देखा कि एक राशन स्टोर बना हुआ है अलग से। यहाँ पे जितना भी राशन आता है वो इधर स्टोर किया जाता है। पता ही नहीं लगा कि हम लोग कब में बाहर आ गए, पर हम तो बाहर आ गए पर हमारा मन अभी भी अंदर ही था। बाहर आए ये देखिए कुछ दुकानें लगी हुई हैं जहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे सिर ढकने के लिए रुमाल हुआ, कड़ा हुआ, लॉकेट हुआ, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे आएंगे तो आपको पता लगेगा। ये जो एक छोटी सी गाड़ी आप देख रहे हैं ये फ्री सर्विस इस पर लिखा हुआ है, फ्री सर्विस फॉर हैंडीकैप एंड ओल्ड एज सेंटर। देखिए कितनी अच्छी सेवा है ना ये भी। सतनाम श्री वाहेगुरु। अब दर्शन करके हम बिल्कुल बाहर आ चुके हैं और सामने है दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर। यहीं से बैठकर हम ऑटो पे जाएंगे राजीव चौक स्टेशन पर। रास्ते में आते हुए ये जनपद मार्केट पड़ी थी, यहाँ पर आपको इंडियन और मतलब फॉरेन टूरिस्ट हमेशा यहाँ पर घूमते घामते हुए मिल जाएंगे। यहाँ पर अलग अलग तरीके की शॉप्स हैं तो आप यहाँ पे जाकर शॉपिंग कर सकते हैं, कभी आएंगे तो यहाँ पे ज़रूर जाइए। अभी हम लोग आ गए हैं साहिबाबाद आरआरटीएस पर और हम लोग घर जा रहे हैं। अभी आपको दिखाते हैं पूरी एंट्री साहिबाबाद से। साहिबाबाद आरआरटीएस और गार्ड साहब क्या हाल है? स्टेशन एंट्रेंस गेट नंबर 1। स्वचालित सीढ़ियों से जाएंगे भाई। और यहाँ पर मोदी जी स्वागत कर रहे हैं हमारा, मतलब सभी का, सब पैसेंजर्स का। ये लिफ्ट है और ये टिकट और प्लेटफॉर्म की ओर। लाइटिंग बड़ी जबरदस्त है। पूरा का पूरा स्टेशन खाली पड़ा हुआ है और अब हम जा रहे हैं वेंडिंग मशीन के पास अपनी टिकट निकालने के लिए। वेंडिंग मशीन के पास आ गए हैं, बाय टिकट का ऑप्शन हम सेलेक्ट कर रहे हैं, प्रीमियम लेंगे इस बार। और डेस्टिनेशन सेलेक्ट किया दुहाई, और दुहाई डिपो और दुहाई के दो स्टेशन है इसलिए दुहाई सेलेक्ट करा, दो बंदों की टिकट सेलेक्ट करी और यूपीआई ऑप्शन सेलेक्ट करा। अब ये देखिए राइट साइड में क्यूआर कोड आ गया, इसको हम किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन से स्कैन कर सकते हैं और फिर वहाँ पर पिन डालेंगे तो यहाँ पर स्क्रीन पे पेमेंट इनिशिएट हो जाएगी और नीचे से हमारी टिकट निकल के बाहर आ जाएगी। अभी देखिएगा, ये देखिए पेमेंट इनिशिएट हो गई, उधर भी टिक आ गया और नीचे लिखा आ गया कि प्लीज़ कलेक्ट योर टिकट। अभी हमने टिकट ले लिया अपनी। प्रीमियम क्लास की टिकट एक बंदे की 80 रुपये की है। स्कैन करके हम जा रहे हैं स्टेशन के अंदर प्लेटफॉर्म की ओर। ये देखिए प्रीमियम लाउंज की तरफ। अब आपको दिखाया जाएगा कि प्रीमियम लाउंज का जो कोच है वो कैसा है और उसका जो फेयर है वो भी डबल है। हमको आते हुए दुहाई से साहिबाबाद 40 रुपये लगा था और अब जाने का 80 रुपये लगेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ना बहुत मतलब बहुत अच्छे से सजाया हुआ है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इतने सारे प्लांट्स हैं, सब कुछ है, मतलब एक एक चीज सिस्टमैटिक है और बड़ी साफ सफाई एकदम चकाचक। वो वाला रास्ता सराय कालेखा जाने के लिए है और वो टूवर्ड्स मोदीपुरम। हम जाएंगे टूवर्ड्स मोदीपुरम क्योंकि हमारा जो डेस्टिनेशन है वो यहीं पड़ेगा लास्ट, मतलब दुहाई। लोग बैठे हैं, सब अपने मोबाइल में मजे ले रहे हैं। प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा भीड़ नहीं है। सामने की तरफ है प्रीमियम लाउंज। ये एक भाई साहब खड़े हैं, मैप देख रहे हैं कहाँ से कहाँ तक शुरू होगी,
कैसे कैसे जाएगी आएगी सब कुछ चेक कर रहे। हम आपको मैप पहले ही दिखा चुके हैं, अगर बार बार दिखाएंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे। अभी हम प्रीमियम लाउंज के बाहर खड़े हैं और अभी हम ये टिकट से स्कैन करके अंदर जाएंगे और फिर वहां पे आपको दिखाते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है और कैसे कैसे होते हैं। ये देख सकते हैं लोग यहाँ पे मजा ले रहे हैं, सब कुछ ना एकदम ऑर्गेनाइज्ड है। बुक शेल्फ लगा हुआ है यहाँ पे और पर लोग इतनी देर तो बैठेंगे नहीं कि बुक शेल्फ में, पर ठीक है एयरपोर्ट वाला फील आ रहा है। 80 रुपये में कोई माड़ा नहीं है। ये देखिए वेंडिंग मशीन लगी हुई है यहाँ पर, यहाँ पर आप कुछ भी खाने पीने के लिए ले सकते हैं। हम लोग नीचे खा के आए थे इसलिए हमारा मन नहीं करा, हम गए नहीं, हम आगे आ गए। इधर देखिए ये इधर जो सीटिंग एरिया है इतना क्लासिक लग रहा है, एकदम जबरदस्त प्रीमियम वाली फील आ रही है पूरी। प्रीमियम लाउंज में सुख भी प्रीमियम वाला है। पता ही नहीं लगा कि कब मैं नमो भारत रेल प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हो गई। भाग भाग कर हम ट्रेन के अंदर घुसे और अंदर घुसते ही हमने देखा कि कोच के अंदर भी वेंडिंग मशीन लगी है, यहाँ पर भी आप खाओ पियो ऐश करो। ये देखिए आप मेरे पीछे यहाँ पे ना आप कुछ सामान रख सकते हैं, आपका कोई हैवी लगेज हो आप अपना लगेज यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और दिखाता हूँ ये देखिए इसकी सीट्स और इस पे हैंड रेस्ट भी है ये पकड़ने के लिए और इसके पास हेड रेस्ट भी है और इंक्लाइनर सीट्स है इसकी। ये स्टाफ है ये देखिए ये यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट दिए हुए हैं, यहाँ पे आप अपना चार्जर लगा सकते हैं और यहाँ पर आप यूएसबी केबल डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत सही फैसिलिटी है, बहुत सही। अगर आप चार्जर भूल गए तो आप डायरेक्ट, अगर आपके पास केबल है तो आप केबल लगाइए आपका फोन चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए फुट रेस्ट भी है, ऐसे करके आप बैठ सकते हैं। ये देखिए फुट रेस्ट बहुत लॉटेड। ये देखिए यहाँ पर आप वाटर बॉटल रख सकते हैं अपनी और यहाँ पर कोई आपका मतलब पैम्पलेट हो, मैगजीन हो, फोल्डर हो, फाइल हो वो रख सकते हैं। या उतरते समय ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच की दूरी का ध्यान रखें। दरवाजा मैं अपने फोन में स्पीड टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था पर एप्लीकेशन ने काम नहीं किया, तो फिर जो मैंने देखा कि स्टाफ जो बैठा है वो भी स्पीड टेस्ट कर रहा है, तो फिर हमने उनके फोन में चेक किया तो स्पीड आ रही थी 120 किलोमीटर पर आवर। ये देखिए अब हो गई 123, 124। अब हम आपको ना गेट ओपन करके दिखाएंगे। लास्ट टाइम जब हम गए थे आरआरटीएस में बैठ के दुहाई से साहिबाबाद तो हमें किसी ने गाइड किया था, अब हम आपको बताएंगे कि कैसे इस डोर को ओपन करना है। ये वाला जो बटन है ना, जब स्टेशन पे ट्रेन पहुंच जाएगी तो इसमें ग्रीन लाइट जलेगी और ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इसको प्रेस करेंगे और डोर ओपन हो जाएगा, फिर हम बाहर हो जाएंगे। अभी दिखाते, देखो दुहाई का स्टेशन आ गया है और हम लोग इंतज़ार में है कि कब ये ट्रेन रुके और कब हम इसको प्रेस करके बाहर निकलें। हम स्टेशन पर आ चुके हैं और आज का ये सफ़र हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, रैपिडेक्स आपकी अपनी रीजनल रेल। तो अब हम आ गए हैं पार्किंग में। पार्किंग में आते ही हमें ना ऑथराइज पार्किंग का बोर्ड दिखा तो हमने सोचा एक फ़ोटो लेकर उसकी डाल देते हैं ताकि आप आए स्टेशन पर तो आपको पता रहे। अगर आपको आज का हमारा ये सफ़र अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए
और शेयर कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिले। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते।